तो ले बस आज की सुबह आपके भाई की हो रही है आपकी मार्क टू के साथ ही। चेक करें कैसी यार लग्जरियस टाइप की इसकी सीट्स हैं। तो ले बस साथ ही साथ आपका भाई अपनी RX 8 उठा के ले आया यार। और आपका भाई जा रहा है फुल नौ की स्पीड पे, नीचे स्क्रैप होते हुए कि आपको आवाज आ रही होगी। लगा दी है गाड़ी और स्क्रैप कर करके ये गाड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी। काशी ने चैलेंज दिया है कि भाई कह रहा है 15 मिनट में टॉपर जॉन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आए आए आए। तो लेबर्स आप देखें और पहचाने यार ये वही गाड़ी है जो आप ये चेक करें यार। जाते जाते आपके भाई को एक गाड़ी नजर आई है मस्त। तो ले बस आज की सुबह आपके भाई की हो रही है आपकी मार्क टू के साथ। यार देख के हमेशा जो है ना दिल खुश होता है इसके पेंट को। अभी तक आप लोगों के पास भी ब्लॉग्स पहुंच गए होंगे जिसके अंदर आप लोगों को इसका पेंट नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले चलते हैं हम इसकी सीट्स की तरफ। सीट्स आप चेक करें इसकी कैसी लग्जरी, स्क्रीन अभी उतारी हुई हमने तो ईजिली भाई आपको सारा दिखा सकता है। सीट चेक करें कैसी यार लग्जरियस टाइप की इसकी सीट्स हैं। इसमें हमने रेड का कंट्रास्ट दिया है और बीच में हमने इसको लाइन्स दी हैं जो हम लोग मोस्टली अपने डिज़ाइन के अंदर देते हैं। बाकी हेडरेस्ट का आप लोग डिज़ाइन चेक करें कैसा मज़े का यार। अभी आपको साथ ही साथ पीछे ले जाके बैक की सीट्स भी आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें जी आप लोग, ये चेक करें बैक भी यार, चेक करें कितनी खुली सीट है। चार बंदे तो इजीली पूरे आ जाएं साइडों के ऊपर। इसके ऊपर भी हमने रेड का कंट्रास्ट दिया है ये आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हमने ब्लैक जो है ये कारपेट दिया। अभी इसकी पेस्टिंग चल रही है। डैशबोर्ड अभी सारा साफ होना है, मैं जा रहा हूँ बंदा लेने डैशबोर्ड वाला। इसका स्टेयरिंग भी है, हम वो उसको चेंज करेंगे। कंसोल इसका निकाला हुआ हमने कोशिश के लिए। साथ ही साथ ही हम लोगों ने बैक इसको दो स्पीकर जो दिए थे इसको भी हम लोगों ने पूरा कारपेट कर दिया है। ट्रंक भी इसका पूरा कारपेट करके अच्छे तरीके से पैक करेंगे। अभी बच्चा अंदर गत्ते बना रहा है, इसके गत्ते भी आप लोगों को दिखा तो। और डैश वाले बंदे को हम लोग लेकर आते हैं जाके, ताकि यार इसका डैश हम लोग यहाँ से गाड़ी निकालें तो डैश भी फाइनलाइज हुआ हो और गाड़ी के अंदर कोई काम ना रह जाए हमारे। और ये चेक करेंगे हमारा डिज़ाइन है जो हम लोगों ने गत्तों को देना है। फोमिंग करके ये पूरा ऐसे पूरा उठ जाएगा जिस तरह से हमारा डिज़ाइन उठता है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसको गत्ते के ऊपर लगाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं साथ में। चले वो साथ ही साथ आपका भाई अपनी RX 8 उठा के ले आया यार। हाल देखें, जब से कराची से आई है ना इसका हाल ये है पूरा प्रॉपर। अभी आप इसका बिफोर वाला हाल देख लें, वॉश करवाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं। फ्रंट की भी इसकी शो बनवानी है, शो का थोड़ा सा काम है। जैसे आप लोग देख सकते हैं बम्पर गिरा हुआ है, जिस तरह वो काशी की गाड़ी का गिरा हुआ है ना इसका भी गिरा हुआ है। तो इसका फ्रंट का बम्पर उठवाते हैं, फ्रंट की शो करवाते हैं। पेंटर को मैंने बुला लिया है, उसको जाकिर को मैंने कहा यार आजा मैं लेके आ रहा हूँ गाड़ी। इसके पेंट टचअप थोड़े से होने वाले हैं यहाँ पे साइडों के ऊपर, ये करवाते हैं। गाड़ी को पूरा यस करवाते हैं, कंपाउंड करवाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं। आप लोग साथ अब देखें ना, अब लग रही है ना RX 8 पूरी। पहले तो बेचारी जो है ना पूरी ही स्क्रैप हालत बना के रखी हुई थी, जैसे जैसे धुल रही है वैसे वैसे गाड़ी अपनी लुक के अंदर आ रही है। फ्रंट से थोड़ी सी अभी भी मुझे हल्की लग रही है गाड़ी, फ्रंट के ऊपर जाके मेहनत करते हैं। ये साइड भी मारी है, ये आपके भाई ने नहीं मारी, ये किसने मारी है मुझे भी नहीं पता। बाकी फ्रंट की इसकी पूरी शो बनवाते हैं, जाकिर से थोड़ा बहुत पेंट टचअप्स करवाते हैं और फिर आप लोगों को गाड़ी चेक करवा। ले बॉयस करवा ली आपके भाई ने गाड़ी सर्विस और पहुंच गए आपके RX 8 के अंदर। चेक करें यार शशके फुल मज़े के। अभी अंदर से भी काफ़ी हद तक साफ करवाई है गाड़ी। अभी जो हमने इसको पूरा प्रॉपर करना है, अपने गियर लीवर को पूरा यहाँ पे इसका प्रॉपर पीस बनवा के वो लगाना है। गाड़ी की हम डिटेलिंग बाद में कराएंगे, अभी इतनी करवा ली है कि साफ हो जाए। लेके जाते हैं सीधा इसको डेंटर के पास, इसकी फ्रंट की शो सही करवाते हैं। पेंटर आया हुआ है, उससे इसकी कंपाउंड पॉलिश और इसकी टचिंग टुचिंग करवाते हैं। और साथ ही साथ मार्क टू हमारी कंप्लीट हुई खड़ी है। उसके डैशबोर्ड वाले पास में गया था, साथ एक बड़े पुराने उनको जाके मिलाऊंगे यार। डैशबोर्ड सबसे बड़ी कमी गाड़ी में डैशबोर्ड है। उनसे मेरी डिटेल डिस्कशन हुई है, वो कह रहे हैं डैशबोर्ड आपको पूरा जेन्युइन करके मैं दूंगा, दो तीन दिन लगेंगे पर काम ऐसा होगा कि जैसे जेन्युइन होता है वैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें यार ठीक है, कोशिश है क्लियर है, अब गाड़ी जानी है डैशबोर्ड के ऊपर। तो वहाँ से लेके गाड़ी निकालते हैं और डैशबोर्ड वाले के पास लगाते हैं गाड़ी और इंशाल्लाह दो तीन दिन तक वो डैशबोर्ड से भी क्लियर हो जाएगी। फिर रिम टायर डालेंगे और बाकी के शिशके करेंगे। और भी लेके जाते हैं RX 8 को, इसको लगाते हैं हम लोग डेंटर के पास। तो आप लोग साथ जुड़े हैं बॉयज। यार शशका इसका RX 8 का, बाकी जितनी मर्जी गाड़ियाँ चला लो RX 8 वाला शशका RX 8 में ही है भाई। चले बस ये इसके गत्ते हैं। इसके अंदर अभी थोड़ा सा हमने और भी ऐड ऑन करना है। ये जो हमारा जो डिज़ाइन है ना, इसको हम लोगों ने पूरा प्रॉपर इस तरीके से चलेगा, मीन लाइक जिधर डिज़ाइन होगा उधर प्रॉपर अंदर जाएगा और ये डिज़ाइन पूरा फील होगा। शीशिंग के अंदर नीचे फोमिंग होनी है अभी, तो ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा। बाकी गाड़ी निकालने लगे हम लोग, डैशबोर्ड वाले से बात होगी, वो होप्स हो मंडे वाले दिन से आके इसके डैशबोर्ड के ऊपर काम करेगा। अली को बोला यार इसका डैश साफ भी कर दें कि गाड़ी के अंदर अब डैश ही जो है ना वो सबसे हल्की चीज़ लग रही है। पर जिससे बात हुई है वो कहते हैं यार मैं पूरा डैश जिस तरह से आपकी गाड़ी चल रही है ना उसी तरीके से आपका पूरा
का प्रॉपर डैश भी करके दूंगा। तो चलते हैं जाके RX-8 का भी काम करवाते हैं आप लोग मेरे साथ। तो ले बॉयज सीन्स कुछ ऐसे हैं, लाके लगा दी आपकी RX-8, उसको जाकर भाई ने पुटीने वगैरह लगा रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। साथ ही साथ आपकी Mark 2 लगा दी है यार। Mark 2 जिधर लग रही है ना यार, हर बंदा माशाल्लाह से यार इसकी तारीफ कर रहा है, पेंट की हर चीज़ की। अभी डैश बस रह गया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है मंडे वाले दिन बंदा आएगा और वो डैश को लग जाएगा पूरा प्रॉपर। स्क्रीन में गाड़ी के अंदर रख के ले आए हूँ, स्क्रीन इसको लगाते हैं गाड़ी को और उसके बाद इसको ले जाता हूँ। अभी ये है कि जब तक वो सामान, जब तक इसका डैशबोर्ड वाला आता है उस टाइम बीइंग के अंदर हम लोग इसका सामान फिट करवा लेते हैं, इसकी लाइटें शाइटें सारा कुछ क्लीन करवा के ना अच्छे तरीके से वो चीज़ें फिट कराते हैं। बाकी दोबारा शाम के टाइम की आप गाड़ी की लुक चेक करें यार, अभी कोई सिरेमिक कोटिंग वगैरह नहीं हुई हुई गाड़ी, और वर्कशॉप सीन्स भी चेक करें ना कैसे कमाल लग रहे हैं यार आप लोग बॉयस। बाकी बस अभी इसको लेके चलते हैं, स्क्रीनें लगवा के इसको पैक कर देते हैं और बाकी सामान इसका जो है ना कल के दिन ले जाके सामान फिट कराते हैं, आप लोग साथ रहें। तो ले बॉयज गैराज सीन्स कुछ ऐसे हैं यार, जीप चेक करें साथ ही साथ अपनी Mark 2 चेक करें और ये लगी भी आपकी RX-8। सुबह भाई ने इसको फिल्टर लगा दिए क्योंकि यार फिल्टर के बगैर था इंजन, सीन बड़ा बैड था। लेके चलते हैं इसको यार पेंटर के पास, कल उसने पुटीन शुटीन इसको लगा दी थी, लेट टाइम तक ज़्यादा आपका भाई व्लॉग नहीं कर सका तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देते हैं, जाके इसकी पुटीन शुटीन लगवा के इसको पूरा प्रॉपर करते हैं आपकी RX-8 को, फ्रंट इसका पूरा बम्पर पेंट करते हैं और गाड़ी लश पश करके आप लोगों को चेक करवाते हैं। तो आप लोग साथ जुड़े रहें। आपके भाई ने बड़े शौक से निकाली थी गाड़ी के ऊपर जाता हुआ जाएगा और आपका भाई जा रहा है फुल नौ की स्पीड पे, नीचे स्क्रैप होते हुए की आपको आवाज़ आ रही होगी, जिसका मैं आप लोग बता रहा हूँ गाड़ी बहुत लो है, हर स्पीड ब्रेकर के ऊपर लग रही थी, ये गाड रही है नीचे यार, वो पता नहीं उसका काम है कि नहीं, RX-8 की अपनी गाड रही है वो लग रही थी साथ। चलते हैं पहले जाके इसको डेक पे लगाते हैं, वो काम देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर कराते हैं अपने पेंटर से काम, कि ये स्क्रैपिंग के साथ तो भाई गाड़ी नहीं चल सकती, वो इतने स्पीड ब्रेकर के ऊपर लगी कि अब एक साइड से गाड़ी ही गिर गई है भाई। तो जाते हैं पहले जाके ये मसला हल करते हैं फिर जाके पेंट की तरफ जाते हैं, तो आप लोग साथ रहें। तो ले बस ये ला के लगा दी है गाड़ी और स्क्रैप कर करके ये गाड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी, ये गिर गई है हमारी, इसको दोबारा अंदर लगवाते हैं आपको चेक कराते हैं। ये चेक करें गाड़ी के अंदर कॉयल ओवर था, मेरे ख्याल से अब गाड़ी हमें थोड़ी सी उठवा देनी चाहिए, उठवा देने का मकसद ये है कि यार ये स्क्रैपिंग स्क्रूपिंग ये काम बड़ा ख़राब है। वैसे तो बार की फिटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बनी हुई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिटमेंट, देखें तो इतनी ज़्यादा फिटमेंट नहीं है, टायरों के अंदर गैप ही है तकरीबन 2-3 उंगलियों का, फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्क्रैप कर रही है यार नीचे, वो काम बड़ा ख़राब है। आगे से भी, आगे से तो बहुत लो है, वो देखें ना टायर पूरा अंदर घुसा हुआ है, तो गाड़ी थोड़ी सी उठवा देते हैं, आगे से उठवाते हैं थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा, पीछे से ऑलरेडी ऊपर आई थिंक सो, फिर हमारा काम जो है वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि आगे इंजन भी आ गया तो गाड़ी नीचे गिर गई है, वो शुक्र है ज़्यादा मसला नहीं था, सिर्फ नट नुट निकले में लूजिंग थी, क्या वजह थी तो लग लग के उसने उतरना ही था आप चार्ज में, इसको ओके करवाते हैं और जाते हैं सीधा पेंटर के पास, आप लोग साथ रहें। रात को आपके भाई ने इसके बम्पर की पूरी जो है ना ये फिटमेंट भी बनवाई है, ये देखें साइड से पूरी, और थोड़ा बहुत रिपेयरिंग थी वो पूरी प्रॉपर करवाई है, अभी यहाँ से थोड़ा सा वाया है मतलब बम्पर नीचे ये ऊपर है, बाकी ये लाइन पूरी आपके भाई ने ये देखें पूरी सीधी करवाई है, कल साइड पूरी प्रॉपर बिठवाई है बम्पर की, अब ये है कि इसको पूरा प्रॉपर पेंट करवाएंगे, इसका फेंडर होना है, बम्पर होना है, वो वाला फेंडर होना है, गाड़ी हमारी फुल सेक्सी स्मैक्सी हो जाएगी यार माशाल्लाह। तो चेक करवाते हैं आपको गाड़ी सेट करके। पहले जी वो जो रोला था वो ये था कि हमारी जो गाड़ी है ना उसके अंदर जो सुराख थे वो काफ़ी बड़े थे, तो झटका लगता था स्क्रैप करती थी गाड़ी तो बोल्ट समेत जो है ना गाड़ी नीचे आती थी, भाई ने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराई है, सुराख जो है वो सारे उसके छोटे करवाए हैं, अब ये है कि अब स्क्रैप करे जितना मर्जी उतरेगी नहीं गाड़ी, बाकी ला के ये गाड़ी लगा दी है, आप चेक करें आप लोग गाड़ी लास्ट आपने देखा था तो कैसी यार किन हालात के अंदर थी, गाड़ी को साफ रखा जाए तो यार कोई भी गाड़ी अच्छी लगती है, गंदा छोड़ दो तो स्क्रैप हालत हो जाती है। अभी सारे टचअप्स हम लोग जाकिर भाई से कराने लगे, जाकिर भाई आए हुए संडे को भी, आपको पता है वैसे तो सारा सन्नाटा सारा सीन ऑफ है, कोई बंदा नहीं आया हुआ, पर संडे को खास बुलाया मैंने कि यार 2-3 टचअप्स हैं इसको कर दे ताकि हमारी गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना, लाइटें भी इसकी थोड़ी सी डल लग रही मुझे, लाइटें भी ओके कराते हैं, फ्रंट लुक गाड़ी की ओके कराते हैं क्योंकि बैक से तो गाड़ी बिल्कुल भी हल्की नहीं लग रही, तो आप लोग रहें साथ।
तो ये ले बॉयज, संडे वाले दिन हमने लड़के को रोक लिया। क्या हाल है भाई? ठीक हो? सब फिट है? लड़के को रोक लिया है, निकाल रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर इसका कोड हमारी RX8 का। ये चेक करें, मैंने कुछ ऐसी नंबर दिया था उसके ऊपर इसका नंबर आ रहा था, कलर कोड जो है। अब इसे कलर निकलवाते हैं और जाके लगवाते हैं। संडे वाले दिन सबको रोका हुआ आपके भाई ने। अच्छा अभी देखें, हमारा सिल्वर कलर बन रहा है, ये हमारा कोड है, इसके अंदर 22V और साथ ही साथ भी ये देखें शाइनिंग फोर्स एल्युमिनियम के अंदर ब्लू फोर्स डलेगा, डीप ब्लू, जेट ब्लैक, इतने सारे कलर डलेंगे कम कम ग्राम्स के अंदर, तो फिर हमारा प्रॉपर सिल्वर बनेगा। ये देखें सिल्वर के अंदर साथ साथ ब्लू भी डलता है जिसने शेड मारना होता है पूरा। तो ले बॉयज ये चेक करें, पेंट हमारा बन गया और एग्जैक्ट बन गया बिल्कुल। लेकर जाते हैं इसको, लगाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं, तो आप लोग रहे साथ। पर ये चेक करें यार, जाते जाते आपके भाई को एक गाड़ी नज़र आई है, मज़्डा है और बड़ी प्यारी गाड़ी है यार। एक टाइम पहले भी आपके भाई ने ये देखी थी, यहीं पर किसी इलाके में भाई के पास है और थिंग्स वगैरह सेल्स वेल कोई नहीं करते, संभाली हुई बस इन्होंने ओरिजिनल पार्ट्स के साथ ये गाड़ी। क्या बात है, मतलब बाकी आपके भाई का सामान है सारा, लेके चलते हैं। वो सामने लगी हुई है आपके भाई की RX8 करेंगे बिल्ड, फिर आ गई इधर, वेरी नाइस, करीब करीब आई जा रही है आपके भाई के, इसका दिल कर रहा है आपके भाई के पास आने को। ये चेक करें माशाल्लाह, नहीं यार जो भी है संभाली भी प्यारी भी प्यारी सी चीज़ है। मास्टा 323 है, वेरी नाइस माशाल्लाह चीज़ है यार। कोई एक आपके भाई को ये गाड़ी मज़्दा पसंद है और एक ये वाली पसंद है, दोनों बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ऐसी चीज़ें देख के ना आपके भाई का दिल ललचाता रहता है। बहरहाल अपनी गाड़ी तरफ आ जाए, तो जाकिर भाई लगे हुए इसके ऊपर प्रोटीन शुटीन लगाने के अंदर बम्पर के ऊपर। मैंने कहा यार बम्पर पूरा प्रॉपर करें इसका, चेक करें ना बम्पर के ऊपर कमियां थी, कल रिपेयर करवाया, उसके बाद इसकी हमने पूरी प्रॉपर जो है मतलब पूरी फिटमेंट बिठाई है बम्पर की बोनेट के साथ। अब जाकिर भाई इसको प्रोटीन लगा के पेंट करेंगे, तो फिर जैसे गाड़ी आपको बैक से नहीं लग रही है पोप्स, और वैसे आपको फ्रंट से भी गाड़ी पूरी नहीं लगेगी। इंजन रूम को भी पूरा वॉश करवाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं, आप लोग रहे साथ। तो ले जी गाड़ी हमारी रेडी होगी पेंट के लिए, चेक करें जी पूरी बेसअप उसे पूरी प्रॉपर कर दी हुई, अगर हाथ फिरे तो पूरी मुलायम, सारा दिन रगड़ाइयाँ करवाई हैं हमने जो है जाकिर भाई से। अभी इसको पूरा पेंट लगाते हैं और आप लोगों को चेक करवाते हैं, आप लोग तो ले बस ये चेक करें, पेंट हो गया आपके भाई का फ्रंट बम्पर, चेक करें कैसी लुक मार है अभी इसके अंदर। सुबह ला कर इसकी कटाई करके इसको पूरा कंपाउंड करेंगे, ये है कि अब गाड़ी की लुक पूरी होगी। ये बोनट भी अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउन लग रहा होगा, इसको पूरा कंपाउंड जब कराएंगे ना गाड़ी को पेपर लगवा के, तो सारी गाड़ी एक जैसी हो जाएगी। तो जी बॉयज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाई का? आप लोग सब फिट है? आप लोग सब सेट है यार? आपका भाई मौजूद है आप लोगों की RX8 के अंदर, ठीक है ना? बड़ी क्लासिक बिल्ड्स कर ली हैं, अब एक स्पोर्ट्स बिल्ड भी करें, तो लेके जा रहा हूँ इसको मैं जाकिर के पास, क्योंकि कल कंपाउंड नहीं हो सकी थी, कल पेंट हो गया था जैसे कि आप लोगों ने देखा, और बहुत सारे काम है। आज मंडे का दिन है, मामू पहुँचा दिए मामू ने डैशबोर्ड वाले के पास, और मैं सोच रहा हूँ मैं काशिफ के पास जाऊँ और इसको ऑटो से मैं इसको मैनुअल करवा दूँ। मुझे यार जो चस है ना वो RX8 की डीआरई घुमानी भी तो होती है ना यार गाड़ी, तो चलते हैं जाके कंपाउंड करा के सीधा जाते हैं हम लोग काशिफ के पास। स्पीड ब्रेकर पे देखिएगा जरा मॉल, ए ये आए 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 तो चलते हैं हम लोग जाकिर से कंपाउंड कराते हैं, साथ ही काशिफ का गाड़ी लगाते हैं, उसे कहते हैं यार ये मैनुअल कर दो, और साथ ही साथ इसके कुछ आइटम्स हैं जो मीटर वाली नहीं चल रही वो चलवाते हैं, डॉज का काम कराना है, जी का कराना है, मस्टैंग का कराना है, तो आप लोगों ने वॉइस स्किप करने का ब्लॉग को सोचना भी नहीं है। और ये चेक करें देखे ना शशके भाई, ऑटो में भी दे रही है मजा, पर यार वो जो एक जो मजा है ना मैनुअल वाला वो चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना? जाके देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई गियर शेयर पड़ा तो उसके अंदर गियर लगवाते हैं, तो आप लोग रहे साथ। चले बस ये ला के लगा दी आपकी RX8, बताएं फ्रंट से भी शिशका दे रही है कि नहीं दे रही? पूरी प्रॉपर फ्रंट से भी कर दी, अभी बोनट थोड़ा सा रफ लग रहा है। जाकिर भाई इसको जैसे ही पूरा पेपर शेपर लगाएंगे पूरा डल करेंगे, पेपर लगाने का मकसद ये होता है कि जो ऊपर जो एक लेयर होती है ना डस्ट की वो पूरी उतर जाती है, उसमें डल होती है, फिर जब कंपाउंड करते हैं तो गाड़ी वापस जो है अपनी शाइन में आ जाती है। तो अभी ये देख लें आप बिफोर आइटम, और इंशाल्लाह शाम को आपको पूरी गाड़ी लश्कारे मारती हुई नज़र आएगी। अब लश्कारे लगवाने के बाद जाना तो नहीं चाहिए वर्कशॉप पर यार, दिल कर रहा है कि इसको मैनुअल करवा लें, एग्जॉस्ट भी डुअल इसको दें, दोनों साइड पे भी एक साइड पे लगा हुआ है, और ये सारी बिल्ड्स एक साथ ही हैं। ये देखें मार्क टू और अंदर हमारे डैशबोर्ड वाले साथ पहुंच गए, बोला कि RX8
साथ ही साथ ये लगी हुई है आप लोगों की डॉज। अभी अली को थोड़ा विला कराते हैं और अली से इसके ऊपर भी काम शुरू करवाते हैं और साथ ही से मशवरा कर लेते हैं आगे में। यहाँ से इन्होंने इसका डैश शुरू करना है, डैश पे बहुत मेहनत है जैसे कि आपने देखा है, डैश का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिफोर लुक एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा दिखाया था डैश की, जब तैयार हो जाए तो आप लोगों को पता चले कि कैसा तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये टॉप देखें आप, और नहीं बस ये देख लें आप लोग इंटीरियर की बिफोर हालत, मीन लाइक डैशबोर्ड की बिफोर हालत। सीटें वीटें तो हम घर बैठे हैं, दिखाने का मकसद ये तैयार कर लेंगे तो फिर ये आप लोगों को बिफोर आफ्टर कंपेयर करके दिखाएंगे। और ये साथ ही साथ आपका भाई आपकी मार्कों के अंदर आगे लेके जा रहे हैं हम इनको साथ ही वर्कशॉप है उनके, वहाँ पर ईजिली जो है ना काम कर सकेंगे। बिफोर हालत देख लें आप डैश की सारी पूरी प्रॉपर, स्क्रीनें अभी नहीं लगी हुई गाड़ी को, फुल ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है अभी। काफ़ी लेके जाते हैं इसका डैश चेक करवाते हैं और आप लोग चेक करवाते हैं। अभी इसकी कंट्रोलिंग भी हमने थोड़ी सी बेहतर करनी है, वो करेंगे फिर आप लोगों को इसकी पूरी प्रॉपर ड्राइव ही देंगे गाड़ी की। तो ले जी ये लगा दी गाड़ी, अपने भाई की ड्राइविंग स्किल्स चेक करें कैसी पार्किंग की है फुल साथ करके। रीज़न ये है कि यार रोड है, अब उस आज ही काम शुरू करेंगे, जिस जगह काम करेंगे वहाँ से खुला रहने देंगे, पीछे आपका भाई गाड़ी के ऊपर सारा कपड़ा चढ़ा देगा। तो ले बस साथ ही साथ आप लोगों की आर एक सीट की तरफ आ जाएं, तो चेक करें गाड़ी बन रही है कि नहीं बन रही, बोनट देखें आप, गाड़ी की रूफ चेक करें और गाड़ी का ये फेंडर चेक करें। और माशाल्लाह पूरी गाड़ी बन रही है, अब इसको पूरा प्रॉपर करते हैं। मिला कि इन्होंने ना इसको डल किया था पेपर लगा के, जहाँ जहाँ से ये डल लग रही है वहाँ वहाँ इन्होंने इसको रेग मार होता है 1500 नंबर का वो लगाना होता है, उससे ये होता है ऊपर की लेयर जो है ना जो डस्ट की वो उतर जाती है, तो डस्ट की लेयर उतारी इन्होंने। तो साथ ही साथ अब ऊपर ये जो शाइन के लिए फिर ये कंपाउंड मारते हैं, कंपाउंड होती है शाइन के लिए कि वो जो सारा प्रॉपर नीचे से जो आपका गंद गुंदा सारा निकल जाता है और गाड़ी इस तरह की नज़र आने लग जाती है। अभी देखें गाड़ी कितनी सॉफ्ट और कितनी प्यारी होगी, ऐसी पूरी गाड़ी करते हैं चारों तरफ से और आप लोगों को फिर चेक करवाते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे जाके आप लोगों को आपकी मार्क टू का डैश दिखाते हैं, डॉज का काम भी बैक का स्टार्ट करवाते हैं और आप लोगों को आपकी जी प्रोजेक्ट के पास ही लेके जाते हैं, तो आप लोग साथ रहें। तो ले बस हम लोग गुजरे थे हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें, ब्रो क्या हाल है, ठीक है, सब फिट है, क्या नाम है आपका? उस्मान भाई। उस्मान भाई कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स आपको आजकल? अच्छे लग रहे हैं। चलो यार थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहें, थैंक यू। तो ले बस आप देखें और पहचाने यार, ये वही गाड़ी है जो आप लोगों को नज़र आ रही थी फुल बुरे हालों के अंदर, मिट्टी से भरी हुई फुल स्क्रैप हालत के अंदर जब आई थी आपको पता है कराची से, तो चारों तरफ घूमता भाई आपको चक्कर आता है कि आपके भाई ने काम किया क्या क्या, फ्रंट फेंडर, फ्रंट बोनट, बोनट बम्पर सारा कुछ आपके भाई ने टच करके दोबारा पूरी इसकी पॉलिश की है। और आप लोग रेट करें काम को कमेंट्स के अंदर कि आपका भाई जादू कैसा करता है। अजान शुरू होगी, अजान ख़त्म होती है तो दोबारा भाई कंटिन्यू करता है वीडियो। तो ये देखें बस ये हम लोगों ने लेदर चूज़ किया हुआ है अपनी गाड़ी के लिए, रैक्सिंग सॉरी, और इसके नीचे जो साजी दिखाइएगा ज़रा, नीचे का पार्ट जो हमने काम किया है, नीचे हम लोगों ने पूरी ये बेस बनाई है। डैश आपने सुबह तक देखा था कि पूरा का पूरा ये खोखा था, पूरी बेस बनाई है। अभी साजी दरवाज़ा खोलते हैं आपको वो भी चेक करवाते हैं। ये चेक करें ये फ्रंट तक पूरी बेस बनाई है इसकी हम लोगों ने पूरे प्रॉपर तरीके से, ताकि डैश की पूरी प्रॉपर लुक हो जाए। एसी तो हमारा दूसरा लगना है वो नीचे लगेगा, तो हम लोग इसकी पूरी प्रॉपर लुक करते हैं कार के निकाल के, ठीक है साजी, इसको अंदर से सारी फिटिंग करेंगे। डन हो गया साजी बिस्मिल्लाह। तो बॉयज सुबह आएगी गाड़ी और कल होप से इसको फाइनलाइज करेंगे, आप लोग रहे साथ। मैं जाने लगा हूँ काशिफ के पास, इसका गियर मैंने मैनुअल कराना है, जैसे कि आप लोगों को पता है बाहर से पूरे शपशपे पूरे कर दिए हैं, मार्क टू के डैश के ऊपर भी मेहनत की है जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब चलते हैं जाके इसका गियर का करते हैं और फिर वापस आके हमने अली से डॉज का काम भी कराना है। तो आपके सामने आपके भाई का डे कैसा हैक्टिक होता है, पर आपके भाई कोशिश होती है कि आपका भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा ले यार एक दिन के अंदर। तो आप लोग जो ब्लॉग के साथ जुड़े हैं बॉयज, स्किप करने का आप लोगों ने सोचना भी नहीं है। और ये चेक करें जी आपकी गाड़ी पहुंचा दी बिलालगंज, लड़का लगा रहा है इसको अंदर। और ये चेक करें साथ ही साथ BMW ये क्लियर होगी बस इंशाल्लाह, ये भी एक आधे दिन के अंदर जा रही है। गाड़ी को रेट करें, चेक करें आप, लगवाते हैं इसका गियर, खुलवाते हैं और आप लोगों को अपडेट करते हैं, आप लोग साथ रहें।
ये गाड़ी फाइनली अंदर निकालते हैं इसका गियर और आप लोगों को अपडेट करते हैं। ये देखें जी कितनी लो है हमारी गाड़ी की, जहाँ से गुजरती ये हाल होता है। कोई नहीं, थोड़ी सी यार गाड़ी उठवा लेते हैं, बड़ा बैड सीन है, गाड़ियाँ गिर रही हैं, कभी कुछ हो रहा है इसका। हाँ भाई दोबारा बताएं कितनी देर में गियर बार होगा? 15 मिनट में। मैं स्टॉप वॉच ऑन करने लगा भाई, काशी ने चैलेंज दिया है कि भाई कह रहा है 15 मिनट में गियर डाउन, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं क्या कह रहा था, 15 मिनट में डाउन करता हूँ, करा दे। अब काजी भाई कह रहे हैं 15 मिनट में मैं डाउन करता हूँ, अब कह रहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, डाउन हो। काशी को सही लड़कों से काम लेना था। बहरहाल गियर अभी डाउन कराते हैं, आप लोगों को चेक करवाते हैं, मैनुअल होने लगी, आप लोग भी आ रहे थे। तो भाई 10 मिनट नहीं, हमारे 10 मिनट से ऊपर निकल गए और आपका भाई निकलने लगा यार वापस। फोन दिखा दूसरा क्या टाइम हो गया, ये देखें जी 12:00 हो गए जी 34 मिनट और हम जा रहे हैं। काशी भाई कल आए फिर हम लोग जा लें, कल निकलते हैं जी, पहले वो निकलते हैं, लड़के सारे लगे हुए, कल आएंगे तो होप तो ये गाड़ी मैनुअल हुई होगी। हाँ जी भाई टेंडे खा रहे, आए आए आए, ये जाजी ब्रो खास तेरे लिए है टेंडे। बाकी बस चलते हैं, कल आएंगे इंशाल्लाह, गाड़ी हमारी मैनुअल हुई होगी तो आप लोग रहे साथ।